अलैकुम मम्मी शादी ब्लॉग एंड कुकिंग में खुश आमदीद। ये देखें जी, आए क्या करें, ये देखें चले जी, गद्दा नीचे गिर गया है। ये आज डिस्टेम्पर सारा दो दो तीन तीन कोट किए हैं जिससे ये हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम रह गया कि ये अभी सीमेंट नहीं देखें उतरा, ये रह गया, वो मिस्त्री जो था ना वो ये छोड़ गया। तो उसने सोचा कि चलो जी कारपेट तो बिछेगा तो ये कवर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ये नहीं होना, ये करना तो कह रहा था कि सुबह आके कर दूँगा, लेकिन चूंकि अब मैंने सारी धुलाई शिलाई कर ली है, अब ये देखें दीवारें कैसे साफ़ हो गई। अब आगे क्या करना है वो भी आपको बताऊँगी, रहिएगा मेरे साथ ही। आपको बताऊं कि ये देखें कि दो दो कोट होने के बावजूद आपको ये निशान नज़र आ रहा है। यहाँ से फिर सुबह में जब उठे मिस्त्री डिस्टेम्पर वाला आदमी आया डिस्टेम्पर करने के लिए, तो कहता ये देखें दीमक जा रही, फिर ख़त्म की, फिर लगाई। तो कोई तकरीबन मेरा ख्याल कोई 1-1.5 बजे का टाइम होगा, तो ये दीमक फिर निकला यहाँ पर से। फिर यहाँ पर इस पर हमने दीमक वाली जो दवाई थी वो स्प्रे किया, तो इसमें से कीड़े निकल रहे थे, फिर वो चल रहे थे, फिर मारा, फिर दोबारा इसके ऊपर पेंट किया, तो उसके बाद अभी तो नहीं ये निकली। देखें आगे क्या होता है, ये देखें सारा, अब अल्लाह का शुक्र है कि सारा ही काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये नीचे मेरी चिप्स हुई थी, मैंने इसके ऊपर भी पेंट डिस्टेम्पर ही कराया क्योंकि इसको मैंने कवर करना है, तो वो मैं बताती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हुआ ये है कि फर्नीचर तो नहीं अभी रखा क्योंकि अभी धोया ये गीला है, तो गद्दा अंदर ज़रूर किया था लेकिन वो ये देखें कि गद्दा भी नीचे में से गिर गया है। और स्टोर में चीज़ें रखी हैं, सेट नहीं की हैं, वैसे ही अभी मैंने ना स्टोर में ना सामान जो है ना पकड़ के तो अभी रख दिया है। कुछ चीज़ें बहुत सारी थी जो मैंने दे दी हैं, मेरी मेरी बड़ी पेटी थी वो भी मैंने किसी को दे दी है, और साथ जितने बिस्तरे वगैरह पड़े हुए थे सब मैंने बिस्तरे भी दे दिए, मैंने कहा चलो काम आ जाएंगे। और ये वाशरूम भी सारा, ये देखें अब वाशरूम देखें ठीक हो गया है, ये देखें वो देखें जो छत पे सारा आपको नज़र आ रहा है ना वो सारा ठीक हो गया, ये देखें सारा इस पर डिस्टेम्पर कर लिया। और ये देखें, और आज मैं सारा बहुत फ्री हूँ, लेकिन ये अभी दरवाजे का नहीं हुआ, वो कह रहा था कि मैं सुबह आऊँगा, आके तो फिर मैं देख के तो मैं फिर ये करूँगा। सुबह अब आदमी आएंगे आके करेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे है। तो आप छत भी देखें कितनी अच्छी होगी, आपको पता है पहले छत मेरी कितनी ख़राब हुई थी, सब दीमक छत तक पहुंची हुई थी, लेकिन ये देखें कि अब हो गया, बस नुकसान तो बहुत हुआ है, अब समझ नहीं लग रही कि कितना हुआ है। चले जो भी हुआ, अल्लाह की हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, बस अब ये छोटा सा काम ही रह गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा ये वाला भी ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी किया करें और करवाया भी करा करें, मुझे बहुत देख ले मैंने यूट्यूब की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है उसको बनाने के लिए। मैं तकरीबन 1 साल पूरा घर से गायब रही हूँ अपनी बेटियों के पास, ताकि ये मेरा जो चैनल था वो मैं चाहती थी कि मेरा वो मोनेटाइजर हो जाए, उसका कुछ हो जाए, व्यूज़ अच्छे मिले, सब्सक्राइबर अच्छे मिले, लेकिन यकीन जाने कि मुझे इतना दुख हुआ है, इतना दुख हो रहा है कि ना तो मैं मुझे वो उधर से कोई कामयाबी मिली और ना घर वो आएंगे तो घर से भी मेरा नुकसान हो गया, ना मैं उधर की रही ना मैं उधर की रही, यकीन जाने कि मुझे दिल ही दुख हुआ है। अब सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।